बहुत बढ़िया चीज है दोस्तों, मैंने इसको एक ही बार लिया, एक ही बोतल। सो गाइस, जैसा कि अभी आपने देखा और मुझे लगा, मुझे पर्सनली ये लगा कि आप तक ये वीडियो पहुंचानी बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी बंदों को ये प्रॉब्लम है। इंडिया में मैक्सिमम बंदों को यही प्रॉब्लम है। तो किस चीज के बारे में बताने जा रहा हूं और उसका सॉल्यूशन क्या है, तो पूरी वीडियो देखो। वॉच टिल एंड वी विल बी बैक। दिस इज एंग्विस्ट फिटनेस। तो गाइस, जैसा कि आपने वीडियो देखा, मैं पूरी क्लिप अभी डालूंगा एंड में, पूरी देखना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, मैं बताने जा रहा हूं आपको एरिस्टोजाइम के बारे में। जी हाँ, इसके बारे में अगर आपको दिख रहा हो तो ये सिरप, बेसिकली ये सिरप है डाइजेस्टिव एंजाइम। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि काफी लोगों को इंडिया में और काफी ऐसे बंदे हैं जिनको ये लगता है, प्रॉब्लम होती है कि वो कुछ भी खाते हैं तो उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उनका पेट भरा हुआ लगता है, उनकी गैस होती है, उनके सीने में जलन रहती है, ये वो अटरम चटरम 100 बीमारी होती है। उनको लगता है कि हमारा शरीर में कुछ लग ही नहीं रहा है, हम चाहे जितना मर्जी खा लें, हम जितनी मर्जी दवाई खा लें, कुछ भी खा लें, कोई असर नहीं हो रहा था। ये बेस्ट है आपके लिए, ये मेरे कहने से एक बार ट्राई करो, आपको रिजल्ट गारंटेड मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इसकी कॉस्टिंग के बारे में, क्योंकि इंडिया में जो मैक्स पीपल है उनको दिक्कत आती है इससे। तो ये जो सिरप है बहुत चीप है, आपको 100 रुपीज के आसपास ये मिल जाएगी। किसी भी मेडिकल शॉप पे आप जाएं, इजिली अवेलेबल है, आप कहीं से भी इसको परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जाके परचेस कर सकते हो। तो ये मात्र 100 रुपीज की जो सिरप है वो आपकी इतनी मदद कर देगी कि आपने चाहे जितनी मर्जी दवाई गोली खा ली होगी मोटे होने के लिए, अपने डाइजेशन के इंप्रूव करने के लिए, नहीं मिला होगा ना, तैयार हो जाओ, ये रहा सॉल्यूशन, बहुत तगड़ा, नेक्स्ट लेवल। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसके अंदर जो होते हैं बेसिकली, इसके अंदर होते हैं एंजाइम्स जो कि आपको हेल्प करते हैं आपके फूड को डाइजेस्ट करने में। क्या होता है ना, देखिए, जो जिन बंदों को डाइजेशन में दिक्कत होती है उनके लीवर जो होता है, लीवर खराब नहीं होता, लीवर खराब नहीं होता। जिनको ये लगता है कि मेरा लीवर खराब हो गया तो ये रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये होता है कि उनके शरीर, उनका जो शरीर, उनकी बॉडी उस तरह, उस लेवल पे डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं प्रोड्यूस कर पा रही। जिस बेसिकली होता यह है कि देखिए, जिन लोगों को दिक्कत आती है डाइजेशन में, तो बेसिकली बॉडी क्या करती है, उस लेवल पे इन डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं कर पाती कि वो खाना डाइजेस्ट कर पाए, जिस वजह से उनको दिक्कत होती है ना, तो उनके शरीर में लगता है। देखिए, लगेगा जब खाना ही नहीं पच रहा है, डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, बॉडी में जा ही नहीं रहा, तो आपका शरीर बनेगा कैसे। तो देखिए, बेसिकली इसके अंदर जो एंजाइम है वो लाइपेज, एमलाइज और एक एक और है प्रोटाइज, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, गूगल कर लेना आप, हर चीज मैं थोड़ी बता दूंगा। तो ये जो आपके एंजाइम्स है वो आपकी हेल्प करते हैं डाइजेशन बढ़ाने में। देखिए, इसको किन बंदों को लेना चाहिए, जिनको पेट से रिलेटेड बीमारी रहती है वो इनको ले सकते हैं, सीने में जिसको जलन रहती है वो ले सकते हैं, जिनको ये लगता है कि हमारा पेट जो है भरा भरा रहता है वो भी इनको ले सकते हैं। और ये होती है कि भूख बढ़ाती है आपकी, बेसिकली ये कोई सिर्फ, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि ये आपका वेट गेन कर देगी या ये कर देगी। देखिए, ये आपकी भूख बढ़ाएगी, जाहिर सी बात है, अगर आपकी भूख बढ़ेगी तो आप खाना ज्यादा खाओगे, खाना ज्यादा खाओगे तो वेट ऑटोमेटिकली गेन होगा। तो ये आपकी भूख बढ़ाएगी, खाना ज्यादा खाओगे तो इजिली आपका वेट पुट ऑन हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसकी डोज की बात करूं तो 18 से ज्यादा, 18 से ज्यादा के जो बंदे हैं वो 5 ml दिन में 2 बार ले सकते हैं। कब? जब वो खाना खाने के तुरंत बाद लेनी है आपको। कई होता है ना कि खाना खाते ही भग लेते हैं वॉशरूम की तरफ, तो खाना खाने के तुरंत बाद आपने ये लेनी है 5 ml डे एंड नाइट, जब भी आप खाना खाएं। और जो 18 से कम के बंदे हैं उनको 2.5 ml लेनी है एज इट इज खाने के बाद। देखिए, काफी जो जिम के जो बंदे हैं जो एक्सरसाइज डेली बेस पे करते हैं, हाई प्रोटीन डाइट पे रहते हैं, तो काफी टाइम बाद ना उनका लीवर जो है थोड़ा हाई प्रोटीन डाइट को कंज्यूम करने में सक्षम नहीं होता, नहीं कर पाता, तो वो भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं। आपका हेल्थ, लीवर जो है 100% हेल्दी हो जाएगा। अगेन, लीवर खराब नहीं होता है, कभी भी इस चीज को अपने माइंड में सेट कर लो, ठीक है। और इसको किसे नहीं लेना चाहिए, सबसे बड़ी गलती
देखिए ये अगर आप कोई अल्कोहलिक है, अगर आप शराब वगैरह ड्रिंक वगैरह करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका लीवर वापस से हेल्दी हो जाए, बढ़िया हो जाए, तो आप कोई इस दवाई ले, इस सिरप को लेते टाइम अल्कोहल नहीं कंज्यूम करनी। से नो टू अल्कोहल, बेसिकली वैसे भी नहीं लेनी चाहिए आपको। जब ये मेडिसिन ले रहे हो, ये सिरप ले रहे हो, तो आपको ये अल्कोहल नहीं लेनी, समझ गए। और दूसरी बात, जिन बंदों को पहले से ही किडनी लीवर एक्सेट्रा बीमारी है, तो वो मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन से ना ले, पहले वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ले कि मैं इस सिरप को ले सकता हूं या नहीं, समझे। तो ये वीडियो थी, इसको जरूर ट्राई करना भाई, मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है, खाना भूख नहीं लगती, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, और भी दिक्कत होती है पेट से रिलेटेड, गारंटीड बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी, अंदर की जो हेल्थ है पेट की, एक नंबर हो जाएगी। बाकी जो है इस बंदे से सुनो, इस बंदे को मैंने पर्सनली रिकमेंड करी थी, इसका ओपिनियन सुनो, तब देख के आप लेना। सो गाइज, एज आई टोल्ड यू, देखिए ये मेरा फ्रेंड है, इसी मैंने रिकमेंड करा था, ये मेरे साथ वर्कआउट करता है, इसने मेरे को बताया कि इसका स्टमक जो है वो अपसेट रह रहा है कुछ दिनों से, तो मैंने उसको ये रिकमेंड किया एरिस्टोजाइम। अब ये अपने आप बताएगा आपको कि क्या इसको इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं। भाइयों देखो, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। मेरे साथ बहुत दिक्कत चलती थी, मतलब मान लो आपकी, मैं 2 या 3 महीने से परेशान था, मेरा पेट बिल्कुल ही बेकार था। जब भी मैं कुछ खाता, कुछ भी खाता, मतलब आप मान लो दाल रोटी तब तक अगर मैं खाता था, तो उसमें भी तो दाल डाइजेशन चावल में मान लो, चाहे दाल रोटी मान लो, बहुत उसमें ज्यादा दिक्कत थी डाइजेशन में, हाँ, मतलब। तो उसमें बहुत दिक्कत थी। मतलब ये मान लो यार, कुछ नहीं फंसता था यार, बिल्कुल कुछ नहीं, अब समझ जाओ बस तुम। इवन यहाँ तक कि और ये वर्कआउट के बाद प्रोटीन लेता था, तो वो भी प्रोटीन भी डाइजेस्ट नहीं हो पा हाँ, रहा था। कुछ नहीं हो रहा था, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था लाइफ में, इसे सूखा सूखा सा हो गया था। लेकिन भाइयों ये बहुत बढ़िया चीज है दोस्तों, मैंने इसको एक ही बार लिया, एक ही बोतल लिया, और ये देखो कितनी शीशे में, तुम्हें दिखाता भी हूँ कितनी बची है, और इतने में मजा आ गया भाई, ये दिख रहा है तो झकास चीज है भाई। नो डाउट, अगर इसको आप एक बार ही हमारे कहने से यूज कीजिए, इसका तो पर्सनल एक्सपीरियंस है जो इसने अपने साथ शेयर किया आपके साथ, कि इसको लेने से बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होती है। यस और नो? यस बहुत ज्यादा। अगर आप परेशान हो चुके हो तो एक बार ही हमारे कहने से इस चीज को ट्राई कीजिए, भाई, हाईली इसको रिकमेंड। इसको आप जरूर लो भाई, एक बार ही जरूर ट्राई करो। जिस भी भाई के पेट में कोई भी प्रॉब्लम होती हो भाई, एक बार जरूर ट्राई करो, आप खुद कहोगे कि भाई हाँ, किसी बंदे ने मेरे को बढ़िया चीज बताई है भाई, एस्ट्रोजाइम। ठीक है गाइस, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव एंड सपोर्ट, लाइक टू माई चैनल। दिस इज इंग्लिश ओवर एंड आउट, नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून, वी विल बी बैक।